तो ये सीएमडी का पार्ट टू है। जैसा कि मैंने पार्ट वन में बताया कि सीएमडी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, अगर आप एक डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर हो या सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर हो, क्लाउड एडमिनिस्ट्रेटर हो, या फिर अपना करियर बनाना चाहते हो, या फिर आप एक जॉब सीकर हो, इंटरव्यू क्रैक करना चाहते हो। सीएमडी सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक्चुअली सीएमडी है क्या? सीएमडी, अगर आप सीएमडी में एक्सपर्ट हो, जो काम आप ग्राफिकली माउस के द्वारा आराम से करते हो, उसको आप बहुत स्मार्ट तरीके से स्मूथली आप कमांड के द्वारा कर सकते हो, बशर्ते आपको कमांड याद करना पड़ेगा। तो अगर आप कमांड में एक्सपर्ट बनना चाहते हो, सीएमडी में एक्सपर्ट बनना चाहते हो, तो मैं ये बहुत बेसिक से शुरू कर रहा हूँ और एडवांस तक जाऊंगा। डिपेंड करेगा कितना आप इंटरेस्टेड हो इसमें, जैसे आपकी इंगेजमेंट होगी वैसे मैं इसको आगे बढ़ाता जाऊंगा बढ़ाता जाऊंगा। ये सेशन टू है, इसका पार्ट टू है, और इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं ढेर सारे कमांड, तकरीबन 10 से 11 कमांड ये पढ़ने वाले हैं। इसको नोट डाउन कर सकते हैं आप। और मैं बता दूं, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर आप हमारे चैनल पे बने हुए हैं और आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलता है जो भी हम वीडियो छोड़ते हैं या लाइव सेशन होता है, तो आप चैनल को एक बार अनसब्सक्राइब करके सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलना शुरू हो जाएगा। बस ये बोलना, अनसब्सक्राइब करके सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है? ये जो है ये पार्ट टू का है, ये बेसिक कमांड से हम शुरू कर रहे हैं। और ऐसा नहीं कि आपको आ रहा होगा तो छोड़ देंगे, नहीं, आपको आ रहा है या नहीं आ रहा है, आप पार्ट वन से करते जाएंगे तभी आपको पूरा समझ में आएगा, ठीक है? तो आज ये कमांड हम पढ़ने वाले हैं, इनके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें पहला कमांड जो है DIR, DIR इसका पूरा नाम होता है डायरेक्टरी इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। और DIR के बहुत सारे हमारे जो देखिए, ये जो कमांड मैंने लिखा है 10-11 कमांड, ये तो मैंने कमांड का जस्ट नाम लिखा है। अब इस कमांड के अंदर बहुत सारे पैरामीटर होते हैं, बहुत सारे सिंटेक्स होते हैं, जिनको हम जब इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको इसमें दिखाते चलेंगे साथ साथ, ठीक है? आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। जैसे अब DIR के केस में DIR/B होता है, DIR/P होता है, DIR/W होता है, DIR/L होता है, बहुत सारे ऐसे इसके पैरामीटर होते हैं जिनको हम लोग देख लेंगे, ठीक है? और उसके बाद CLS होता है, क्लियर स्क्रीन। उसके बाद होता है डायरेक्टरी को चेंज करने के लिए। एक बात मैं बता दूं, जो हमारा कमांड होता है ना, जो हम CMD में यूज करते हैं, CLI मोड में, उसमें जो फोल्डर होता है उसको हम डायरेक्टरी के नाम से जानते हैं, ठीक है? डायरेक्टरी के नाम मतलब डायरेक्टरी को, जहां भी डायरेक्टरी के नाम आती है आप समझो एक फोल्डर की बात हो रही है, ठीक है? तो फोल्डर इज इक्वल टू डायरेक्टरी इन CMD, ओके? तो CMD यहाँ पे CD कमांड चेंज डायरेक्टरी, इसका पाथ चेंज करने के लिए, फिर नया फोल्डर बनाने के लिए MKDIR या MD कमांड डायरेक्ट आप लिखोगे तब भी आप भी कर सकते हैं। RMDIR या RM डायरेक्ट, ये क्या होता है? रिमूव डायरेक्टरी। तो CD चेंज डायरेक्टरी, मेक डायरेक्टरी एंड रिमूव डायरेक्टरी, ये पूरा नाम है इसका। कॉपी कौन से आप नया फाइल बना सकते हो, रीनेम करने के लिए फाइल का अगर नाम चेंज करना, रीनेम स्पेस फाइल का नाम देंगे और नया फाइल का नाम लिख देंगे तो फाइल हमारा चेंज हो जाएगा, बशर्ते आपको एक्सटेंशन का ध्यान देना पड़ेगा जिस फॉर्मेट का आपका फाइल बना हुआ, जैसे डॉक्यूमेंट है या XLS है, एक्सेल है, उसको हम करके दिखाते हैं इसको। फोल्डर का अगर नाम चेंज करना है तो रीनेम आप कर सकते हैं फोल्डर को, डिलीट कर सकते हैं फाइल को, और टाइप से आप फाइल के अंदर के मैटर को आप देख सकते हैं कि जो फाइल हमने बना रखा है उसके अंदर मैटर क्या है, कंटेंट क्या है, ठीक है? ट्री कमांड से आप स्ट्रक्चर देख सकते हो, पूरे डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी है और उसके अंदर फाइल्स हैं, पूरा स्ट्रक्चर देख सकते हो। तो बहुत बेसिक है बट इंटरेस्टिंग कमांड है, आप इसको देखिए। अगर आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है कि आपको पूरा आता है, अच्छे से आता है, तो फिर आप इस वीडियो को स्किप कर दीजिए, नेक्स्ट जो आएगा इसे एडवांस लेवल आप उसको देख सकते हैं, बशर्ते अगर थोड़ा भी डाउट है तो आप इसको जरूर देख। चलो हम एकदम शुरू से बताने जा रहे हैं, ये मान चलिए पार्ट वन है, क्योंकि पार्ट वन में जो हमने बताया था वो तो इंट्रोडक्शन, अब ये लैब मेरा ये कर सकते हैं। वैसे तो ये पार्ट टू है, CMD फोर कोर्स का पार्ट टू है, लेकिन हम इसको पार्ट वन मान के चल रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। ये कमांड आप नोट डाउन कर लिए होंगे मैं उम्मीद करता हूँ, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको, ठीक है? ओके, तो सबसे पहला चीज है हम एक एक करके बताने जा रहे हैं, पहला कि CMD को ओपन कैसे करेंगे, ठीक है? हाउ टू ओपन CMD, तो कई सारे तरीके ओपन करने के लिए। हमारा मशीन जो है अभी आपके सामने, ये विंडोज 11 है,
ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, एक तो है रन में जाओ, विंडो आर प्रेस करो, विंडो आर के साथ रन आता है, सबको मालूम होगा, नहीं मालूम है तो आप जान लीजिए। कोई भी एप्लीकेशन, कोई भी टूल, कोई भी पैकेज, आपको अगर शॉर्टकट ओपन करना है तो आप रन में जाकर और यहाँ से टाइप करके ओपन कर सकते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, कुछ भी आप यहाँ से शॉर्टकट तरीके से ओपन कर सकते हो। तो ये है विंडो आर कमांड हमारा, विंडो आर से रन डायलॉग बॉक्स। अब यहाँ पे आप टाइप करोगे CMD तो आपका कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा। तो एक तो तरीका हमारा ये हो गया CMD ओपन करने का। दूसरा तरीका होता है, यहाँ पे क्या होता है, अभी तो हमारा ये एडमिनिस्ट्रेटर में लॉगिन, चलो ठीक है, नहीं तो नॉर्मल यूजर लॉगिन होता है, तो कुछ कमांड नॉर्मल यूजर पे एग्जीक्यूट नहीं होता, ये ध्यान देना, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट मैं बता रहा हूँ आपको। तो क्या करना होता है आपको, आपको एडमिनिस्ट्रेटर प्रिविलेज में लॉगिन करना रहेगा, ये नॉर्मल प्रिविलेज होता है, रन में जाके किसी एमडी कर देना, या फिर आप क्या कर सकते हो, दूसरा तरीका क्या है, आप सर्च बॉक्स में जाओ, यहाँ पे टाइप करो CMD और यहाँ कमांड आ जाएगा, इसको जस्ट क्लिक कर दो, तब यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो ऐसे जब हम ओपन करते हैं ना, तो ये क्या होता है, ये नॉर्मल मोड में ओपन होता है, नॉर्मल प्रिविलेज होता है। हमें अगर एडमिनिस्ट्रेटर प्रिविलेज में ओपन करना है, चाहे कोई भी यूजर लॉगिन हो आपके कंप्यूटर में, एडमिनिस्ट्रेटर प्रिविलेज में लॉगिन करने से फायदा क्या होगा, कोई भी कमांड आप एग्जीक्यूट कर पाओगे इजिली। ठीक है, तो हम कैसे लॉगिन करेंगे, वहां पे सेम सर्च सर्च बॉक्स में जाना है, CMD यहाँ पे टाइप करना है, यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट आएगा, इसके ऊपर आपको राइट क्लिक करना है और यहाँ पे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर प्रिविलेज में ये ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये एडमिनिस्ट्रेटर प्रिविलेज है। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आया होगा आपको। अब यहाँ से मैं शुरू करता हूँ अपना कमांड, यहाँ पे देखो इसको मैं फुल स्क्रीन कर ले रहा हूँ। अब यहाँ पे सबसे पहला कमांड जो है क्या है, DIR, मैंने बताया DIR, डायरेक्टरी इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। इस पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर कितने यूजर, कितने फाइल्स एंड कितने फोल्डर्स बने हुए हैं, ये आपको यहाँ पे लिस्ट करेगा, डिस्प्ले करेगा। देखो 0 फाइल्स हैं और 15 डायरेक्टरी है, इतने। ठीक है, तो क्या कमांड है, DIR। अब ये DIR के कई सारे सिंटेक्स होते हैं, कभी अगर ये मान लो इसमें तो बहुत लिमिटेड है, 15-16 फाइल है, तो ये तो पूरा स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जा रहा है, लेकिन अगर सपोज करो बहुत सारी फाइल है, जैसे मैं आपको दिखा दूं, अगर एक मिनट मैं कोई फोल्डर ओपन करता हूँ, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इस पे आप ध्यान नहीं देना प्लीज, यहाँ पे मैं कमांड दे रहा हूँ, ये देखो ढेर सारा फाइल है इसके अंदर। ठीक है, तो अब ये एक स्क्रीन में एक शॉट में नहीं आ पा रहा है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें क्या करना है इसके लिए, यहाँ पर DIR/P देना है, तो ये क्या करेगा, पेज वाइज एक पेज आएगा, फिर एंटर करोगे दूसरा पेज आएगा, फिर एंटर करोगे तीसरा पेज आएगा, फिर एंटर करोगे नेक्स्ट पेज, ऐसे करके पेज वाइज दिखाएगा। अगर हम DIR/W करेंगे तो ये वेट वाइज दिखाएगा ऐसे। ठीक है, ऐसे कई रो में दिखाएगा, तो आप इजिली इसको देख पाएंगे। DIR/L करेंगे तो यहां पे ऐसे लिस्ट वाइज दिखाएगा। DIR/B करेंगे तो ये बेयर में दिखाएगा, केवल फाइल का नाम दिखाएगा। तो इस तरह से हम DIR के अलग अलग DIR/AH, ये हिडन फाइल दिखाएगा, जितने आपके कंप्यूटर में हिडन रहेंगे फाइल उनको दिखा देगा। DIR/AS, जितने सिस्टम फाइल्स हमारे कंप्यूटर में रहेंगे वो रिलेटेड फाइल यहाँ पे आपको दिखा देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम DIR के बहुत सारे कमांड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये DIR के कई सारे, ठीक है, कमांड है। मैं इसको क्लियर करता हूँ, CLS कमांड है, देखिए अभी दूसरा कमांड में चलता हूँ। DIR कमांड आपका क्लियर हो गया, पहला कमांड हमारा क्या था, DIR कमांड, डायरेक्टरी इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, जो क्या करता है, फाइल एंड फोल्डर को दिखाता, कितने फाइल्स हैं और कितने फोल्डर्स हैं पर्टिकुलर फोल्डर में। अब फोल्डर की बात कर रहा हूं मैं, अभी देखो C के बाद यहाँ पे विंडोज दिख रहा है, फोल्डर है एक।
सॉरी फोल्डर या बोलिए या डायरेक्टरी बोलिए इसको, ठीक है। तो इसमें कितने फाइल्स और कितने फोल्डर है इसके अंदर फिलहाल वो दिखाता है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ से हमें दूसरा कमांड देखना है सी एल एस, क्लियर द स्क्रीन, ये पूरा स्क्रीन को क्लियर कर देगा, सी एल एस क्लियर द स्क्रीन। चलिए अब मैं क्या करता हूँ, नेक्स्ट कमांड सी डी कमांड। सी डी कमांड होता है चेंज डायरेक्टरी। अब सी डी में कई सारे कमांड आएंगे, ठीक है, ये ध्यान देना। तीन कमांड आपको याद रखना है सी डी में। पहला कमांड रहेगा सी डी, दूसरा सी डी स्पेस जो डायरेक्टरी नेम, दूसरा रहेगा सी डी डॉट डॉट सी डी डॉट डॉट, तीसरा कमांड रहेगा सी डी बैक स्लैश। अब तीन तीन कमांड इसमें यूज होते हैं, हम तीनों के बारे में मैं आपको बताता हूँ। ओके, तो सबसे पहला कमांड है सी डी डॉट डॉट। यहाँ देखिए सी डी डॉट डॉट से क्या होता है, एक स्टेप पीछे जाएगा, बैक में जाएगा। जो हमारा पाथ है अभी फिलहाल ये विंडो है, सी कॉलन और उसके बाद क्या है विंडो। अब ये सी डी डॉट डॉट करने से विंडो के बैक में आएगा, ये देखिए अब सी पे हम आ गए। अब इसे बैक में नहीं जा सकते क्योंकि सी हमारा ड्राइव है, उसी के अंदर सारे फोल्डर्स हैं। अब हमें अगर आगे जाना सी के अंदर, देखिए क्या क्या है सी के अंदर, डी आई आर मैंने किया तो यहाँ क्या दिखाई दे रहा है, सी के अंदर यूजर है, सी के अंदर क्या है यूजर है। तो हम कहाँ जाना चाह रहे हैं, यूजर के अंदर, क्योंकि लॉगिन हम क्या करते हैं, यूजर ही लॉगिन करते हैं। अब यूजर में अलग अलग तरह के यूजर होते हैं, है ना, तो हम क्या करेंगे सी डी स्पेस यूजर। अच्छा एक चीज और होता है इसमें इजी होता है, जैसे मैंने यू एस लिखा, टैब प्रेस कर दो तो पूरा आ जाएगा। जैसे हमने कुछ और लिखा यहाँ पे, जैसे हमने लिखा डब्ल्यू आई एन विंडो आ जाएगा, देखिए तो टैब्स कंप्लीशन कर सकते हैं आप इस पे, यू एस एंटर कर दिया यूजर्स आ गया। ये देखो हम यूजर डायरेक्टरी पे आ गए। अब यूजर के अंदर देख लें क्या क्या है, कैसे देख करेंगे, डी आई आर एंटर करेंगे, यूजर के अंदर दिखा देगा कितने फोल्डर्स हैं। तो हमारे पास तीन फोल्डर्स हैं, मतलब तीन यूजर्स हैं, उनको फोल्डर के रूप में दिखाएगा यहाँ पे आपको, जो यूजर्स होते हैं हमारे उनको फोल्डर के रूप में दिखाएगा। फोल्डर के रूप में क्यों दिखाएगा, कि जो यूजर हम लॉग इन करते हैं उसके अंदर आपका डॉक्यूमेंट होता है, उसके अंदर आपका डेस्कटॉप फोल्डर होता है, उसके अंदर आपका, ठीक है, डाउनलोड फोल्डर होता है, ये सारे फोल्डर आपके यूजर यूजर्स में होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए फोल्डर प्रोफाइल बन जाता है यहाँ पे। तो सी के अंदर ये, तो हम लॉग इन करते हैं एडमिनिस्ट्रेटर को, एडमिनिस्ट्रेटर पाथ पे चलते हैं, उसके लिए क्या करना है सी डी स्पेस एडमिनिस्ट्रेटर, ये डी एम लिख के टैब प्रेस कर देंगे और यहां से एंटर कर देंगे। देखिए एडमिनिस्ट्रेटर पे आ गया, डी आई आर करो, एडमिनिस्ट्रेटर में सभी कुछ आपको दिखाई देगा, क्या क्या दिखाई देगा, डेस्कटॉप दिखाई देगा, डॉक्यूमेंट, डाउनलोड, ये सभी, जो जो म्यूजिक, पिक्चर, ये सभी आपके हर एक यूजर में रहेंगे। अगर आप डेस्कटॉप की जगह पे पब्लिक में जाते तब भी आपको ये मिलता, अगर आपका पर्सनल यूजर जो है एस एम ए यू इस पे जाते तब भी आपको वही मिलेगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या है सी डी, मैंने सी डी के दो आपको कमांड बताया कौन कौन, एक तो सी डी से क्या चेंज डायरेक्टरी, एक सी डी डॉट डॉट से बैक जाएंगे। अब एडमिनिस्ट्रेटर के बैक में जाना हम क्या करेंगे, सी डी डॉट डॉट, सी डी डॉट डॉट एडमिनिस्ट्रेटर के बैक में जाएंगे। फिर एक बार सी डी डॉट डॉट करेंगे तो सी ड्राइव पे आ जाएंगे। फिर हमें वापस आना है तो हम क्या करेंगे, सी डी डॉट डॉट नहीं लिखेंगे, सी डी स्पेस और सी डी के, सी ड्राइव के अंदर क्या है यूजर, और यूजर एंटर, फिर यूजर के अंदर क्या है कौन कौन यूजर है, डी आई आर करके देख लीजिए एडमिनिस्ट्रेटर, तो सी डी स्पेस एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ पे आ गया। अब क्वेश्चन आता है सी डी डॉट डॉट करने से एक स्टेप बैक जाते हैं, हम चाहते हैं कि एक ही बार में कई स्टेप हम चले जाएं, लास्ट में पेरेंट पाथ पे चले जाएंगे, ठीक है, ड्राइव पे, सी ड्राइव पे। तो कैसे में जाएंगे, सी डी बैक स्लैश ऐसे प्रेस करें, सी डी और बैक स्लैश करेंगे, एंटर कर देंगे, डायरेक्ट आप रूट डायरेक्टरी पे आ जाओगे, मतलब सी ड्राइव, सी प्रॉम्प्ट या डी प्रॉम्प्ट जहां पे। तो सी डी का कमांड क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है।
सी एल एस कर लेते हैं। फिर से हम अपने एडमिनिस्ट्रेटर उस पे पहुंच जाते हैं, और या तो हाँ ठीक है, सी डी स्पेस यूजर, सी डी स्पेस एडमिनिस्ट्रेटर, और एडमिनिस्ट्रेटर में डेस्कटॉप पे हम चलते हैं क्योंकि डेस्कटॉप पे जो भी काम करेंगे हमारा डेस्कटॉप पे आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम कर देते हैं सी डी स्पेस डेस्कटॉप। अभी जो भी हम काम करेंगे वो डेस्कटॉप पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे फोल्डर बनाने के लिए कमांड है, नेक्स्ट कमांड हमारा है एम के डी आई आर। तो यहाँ टाइप करेंगे एम के डी आई आर स्पेस ईशान। डेस्कटॉप पे आपका देखो ईशान करके एक फोल्डर बनकर आ गया, यहाँ पे देख सकते हो डेस्कटॉप पे ईशान कंप्यूटर, ईशान फोल्डर। ठीक है, तो इस तरह से आप फोल्डर बना सकते हो। अब क्या होता है, अगर आपको दो फोल्डर बनाना है साथ साथ, ठीक है, तो आपको क्या करना है, जैसे मान लो हम चाहते हैं यहाँ पे एम के डी आई आर और एक फोल्डर का नाम देते हैं राकेश कुमार, राकेश स्पेस कुमार, हमने तो नाम दिया एक फोल्डर का, बट यहाँ पे क्या है मालूम है, यहाँ पे क्या होगा, ये समझेगा कि दो फोल्डर हम बनाना चाह रहे हैं। मतलब इस कमांड से आप स्पेस स्पेस कर करके आप कई सारे फोल्डर बना सकते हो एक ही समय में। अब यहाँ पे दो फोल्डर बन के आ जाएगा, ये देखिए राकेश आ जाएगा, एक कुमार आ जाएगा, राइट। तो अगर हम चाहते हैं नहीं, राकेश कुमार नाम से एक ही फोल्डर बनाना है हमें, एक ही नाम उसका नाम रहेगा राकेश स्पेस, मतलब इसमें स्पेस नहीं लेता है। तो अगर देना है तो आपके पास ऑप्शन क्या है, एम के डी आई आर, और यहाँ पर अगर जो भी लिखना है आपके पास दो ऑप्शन है, या तो राकेश और हाइफन कुछ लगा दो यहाँ पे, कुमार लिखो तब ले लेगा, या तो हम क्या कर सकते हैं इसको हम इन्वर्टेड डबल कामा में रख सकते हैं। अब यहाँ पे जो भी लिखेंगे राकेश कुमार सिंह और इन्वर्टेड कामा क्लोज कर देंगे, अब ये राकेश कुमार सिंह एक ही फोल्डर का नाम आ जाएगा, ये देखो राकेश कुमार सिंह करके एक ही आ जाएगा, राइट। तो ये चीज को आप ध्यान रखना जब भी फोल्डर बनाना, अगर उसका नाम चेंज करना है मतलब स्पेस दे के लिखना है तो आपको ऐसे इन्वर्टेड कामा में लिखना पड़ेगा, बड़ा से बड़ा नाम दे सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं डायरेक्टरी को डिलीट करना, मतलब इस फोल्डर को डिलीट करना है। फोल्डर को डिलीट करने के लिए कमांड हमारे पास है आरएम, आरएम डीआईआर स्पेस डायरेक्टरी का नाम। अगर यहाँ पे कई सारे डायरेक्टरी और एक ही साथ सभी डायरेक्टरी को आप डिलीट करना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे स्टार लगा सकते हो, नहीं तो अगर एक डायरेक्टरी डिलीट करना है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं ईशान, एक डायरेक्टरी डिलीट हो जाएगी। देखिए आर एम डी आई आर स्पेस, अगर स्टार लगा दिया हमने, ये डायरेक्ट ये नहीं ले रहा, अच्छा ओके ऐसे इंडिविजुअली रहेगा। हाँ एक चीज और बताना भूल गया मैं इसमें आपको, अगर डायरेक्टरी एम्प्टी है तब तो ऐसे डिलीट हो जा रही है, ठीक है, और अगर डायरेक्टरी एम्प्टी नहीं है, ठीक है, अच्छा ये एक सिंटेक्स और लगा के देखते हैं, स्टार डॉट स्टार लगा के देखते हैं, नहीं ये कमांड नहीं लेगा। ठीक है, फाइल ले लेती है, फाइल में क्या होता है फॉर्मेट हमारा होता है, तो वहां पे हम ये सिंटेक्स देखिए सभी को एक साथ डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करना चाह रहे हैं, डायरेक्टरी के अंदर जैसे ये सभी तो एम्प्टी डायरेक्टरी तो ऐसे डिलीट हो जा रहा है, आर एम डी आई आर और यहाँ से ओके ठीक है, आर एम डी आई आर और यहाँ से राकेश, आर एम डी आई आर स्पेस कुमार, राकेश कुमार मौर्य, ये सभी राकेश कुमार सिंह, ठीक है ये सभी हमारे ओके ठीक है। अब हम एक क्या करते हैं, अगर हमारे पास सपोज करो चलो हम एक फोल्डर बनाते हैं एम के डी आई आर स्पेस, एक फोल्डर बनाते हैं ईशान इन्वर्टेड कॉमा में, ईशान कंप्यूटर इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर दिया हमने, एक फोल्डर बनाया,
इसके अंदर कुछ हमें इसके अंदर हमें कुछ लिखना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सीडी स्पेस इस पे आना पड़ेगा। ये आ गए हम ईशान कंप्यूटर पे आ गए। अब यहाँ पे सपोज करो मैं कुछ फाइल बनाना चाहता हूँ, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, कॉपी स्पेस कॉन स्पेस फाइल का नाम, फाइल का नाम दे दिया हमने फाइल वन डॉट डी ओ सी ऐसे दे दिया, इसके अंदर कुछ लिख दिया, दिस इज नॉट वर्ड फाइल, ठीक है। इसको मैंने कंट्रोल जेड लगाकर सेव कर दिया। ये है फाइल, हाउ टू क्रिएट अ फाइल, कॉपी कॉन स्पेस फाइल नेम। आप एक और कमांड होता है इको कमांड, लेकिन वहाँ पे आप एक ही लाइन, जैसे यहाँ पे हम कोई फाइल बना रहे हैं, सपोज करो एक मैं एक्सेल की फाइल बनाता हूँ, तो मैंने दे दिया यहाँ पे दे दिया फाइल, कुछ और नाम दे दिया राज डॉट एक्सेल एस, ठीक है। तो यहाँ पे दो लाइन केवल लिखे गए, एक लाइन केवल अगर इको रहेगा तो एक लाइन प्रिंट करेगा, बट यहाँ पे मल्टीपल लाइन आप कर सकते हो कंट्रोल जेड से, ठीक है। ये सभी फाइल, सभी डायरेक्टरी, सभी फाइल्स कहाँ बन रहे हैं, ईशान कंप्यूटर डायरेक्टरी के अंदर। आप यहाँ पे ग्राफिकली जाके चेक कर सकते हो, ईशान कंप्यूटर ओपन करो, यहाँ पे एक वर्ड की फाइल एक एक्सेल की फाइल बन चुकी है, आप उसको चाहो तो ओपन कर लो, यहाँ पे टी आई आर जाओ और यहाँ पे क्या है राज है ना, तो जस्ट राज लिखो, हैपन ओपन हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हमारी फाइल ओपन हो जाएगी, कोई भी फाइल आप ओपन कर सकते हो, जैसे कि हमने लिखा फाइल वन, ये लो फाइल वन ओपन हो जाएगी, तो डायरेक्ट फाइल का नाम देने से वो फाइल ओपन हो जाती है, ठीक है। चलो और भी एक फाइल बना लेते हैं हम यहाँ पर, कॉपी स्पेस कॉन स्पेस साहिल डॉट पी पी टी कुछ लिख दिया इसके अंदर कंट्रोल जेड, एक और वर्ड की फाइल बनाते हैं, कॉपी स्पेस कॉन स्पेस मनीष डॉट डी ओ सी ये बना लिया हमने, ठीक है। चलिए अब हमें क्या करना है, यहाँ पे डी आई आर करके देखेंगे, ईशान कंप्यूटर के अंदर चार फाइल बन गई, दो डॉक्यूमेंट की फाइल एक एक्सेल की फाइल और एक ये, ठीक है। अगर आप किसी फाइल का नाम चेंज करना चाहते हो तो रेन कमांड का यूज करेंगे, जैसे हम चाहते हैं फाइल वन हमें अच्छा नहीं लग रहा है, सभी का नाम दिया तो फाइल वन क्यों रहेगा, तो हम क्या करेंगे रेन स्पेस फाइल वन, मतलब ओल्ड फाइल नेम देंगे स्पेस न्यू फाइल नेम देंगे, तो इसके जगह हमने दे दिया रेनो। अब यहाँ पे ये लगाना जरूरी है डॉट डी ओ सी, नहीं तो वो समझ नहीं पाएगा, ठीक है। एंटर कर देंगे तो इस तरह से अब जाके देखेंगे डी आई आर करेंगे, अब देखो मनीष रेनो सभी आ गया, फाइल वन हट गया। यहाँ पे भी जाके ग्राफिकली अगर हम चेक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो एडिट हो जाएगा, ठीक है। तो इस कमांड से हम क्या कर सकते हैं, फाइल बना सकते हैं रेन कमांड, कॉपी कॉन से और रेन कमांड से हम चेंज कर सकते हैं। अगर हमें फोल्डर का नाम चेंज करना है किसी फोल्डर का नाम, तो भी हम रेन कमांड से कर सकते हैं, जैसे ईशान कंप्यूटर यहाँ पे लिखा हुआ है, हम क्या करेंगे अभी हम ईशान कंप्यूटर में ही, एक्चुअली इससे बाहर आना पड़ेगा आपको, सी डी डॉट डॉट यहाँ आ गए, अभी आपको ईशान कंप्यूटर दिख रहा है, यहाँ पे देख लो ईशान कंप्यूटर दिख रहा है, हम इसका नाम चेंज करना चाह रहे हैं तो हम कर देंगे यहाँ पे रेन स्पेस ईशान कंप्यूटर स्पेस यहाँ पे दे देंगे आई सी एन टी ज्ञान। अब यहाँ देखो आई सी एन टी ज्ञान नाम से फोल्डर बन गया, नाम चेंज हो गया। तो आप किसी भी फोल्डर का नाम चेंज कर सकते हो रेन कमांड से, किसी भी फाइल का नाम भी चेंज कर सकते हैं। रेन कमांड समझ में आ गया आपको, एम के डी आई आर सी डी और आर एम डी आई आर से रिमूव डायरेक्टरी, राइट, ये सारे कमांड आपको समझ में आ गए। ओके, अब हम बताते हैं फाइल को कैसे डिलीट करना है,
किसी फाइल को डिलीट कैसे करना है, तो उसके लिए जैसे मान लो डेस्कटॉप के अंदर, डेस्कटॉप के ऊपर हमारा ये फोल्डर है, क्या है, आईसीएनटी ज्ञान, सीडी आईसीएनटी ज्ञान, तो DIR करो, आईसीएनटी ज्ञान के अंदर ये सारे फाइल्स हैं। अगर आप कोई कोई इंडिविजुअल फाइल डिलीट करनी है तो आप क्या करोगे, सी डेल स्पेस DEL डेल डेल स्पेस पर्टिकुलर फाइल का नाम हम देंगे manish.doc। अब क्या होगा, मनीष फाइल डिलीट हो जाएगा, ठीक है। बट अगर आप चाहते हो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की कई सारी फाइलें डिलीट करनी है आपको, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की सभी फाइलों को डिलीट करनी है, केवल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल डिलीट करना चाहते हो सभी इस फोल्डर में, तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, डेल स्पेस स्टार डॉट DOC, तो सभी वर्ड की फाइल डिलीट हो जाएगी। अगर एक्सेल की सभी फाइल डिलीट करनी हो तो स्टार डॉट XLS कर देंगे, पावर पॉइंट की सभी फाइल डिलीट करनी हो तो स्टार डॉट PPT कर देंगे। तो ऐसे फॉर्मेट के साथ हम सभी फाइल को डिलीट कर सकते हैं, और सभी फाइल को एक साथ डिलीट कर देना है तो सिंपली आप क्या करो, स्टार प्रेस कर दो, डेल स्पेस स्टार, सभी फाइल आपकी डिलीट हो जाएंगे। अभी आप पूछेगा आर यू श्योर यू वांट, यस, लो गया सभी फाइल, ऑल फाइल डिलीटेड नाउ। तो ये सारी फाइलें मैंने बता दी आपको डेल के बारे में, है ना, और डेल के बारे में, कॉपी कॉन के बारे में। अब एक फाइल का मैटर देखने के लिए जिसको हम टाइप कमांड से देखते हैं, तो आईसीएनटी ज्ञान में फिलहाल तो मैंने सभी फाइलों को डिलीट कर रखा है, ठीक है। तो फिर से एक फाइल बना लेते हैं जल्दी से, कॉपी स्पेस कॉन स्पेस, इसका नाम देते हैं टेस्ट डॉट DOC, है ना, इसके अंदर लिख देते हैं दिस इज फर्स्ट लाइन, दिस इज सेकेंड लाइन, दिस इज थर्ड लाइन, ठीक है। तो इसको कंट्रोल जेड करेंगे, CLS कर दिए। अगर हम देखते हैं DIR, तो हमारे पास क्या है, टेस्ट डॉट DOC, टेस्ट नाम का एक वर्ड की फाइल है इसके अंदर, है ना। तो एक तो आप ग्राफिकली जाके यहाँ पर डबल क्लिक करोगे तो ये फाइल आ जाएगी, बट हमें कमांड लाइन के द्वारा देखनी इस फाइल को, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर टाइप कमांड का यूज़ करेंगे, टाइप स्पेस और टेस्ट, ये DOC, ये देखो यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे हम लोग देख सकते हैं, ओके। तो ये सारा कमांड हमारा बेसिक कमांड रहा, इसमें ये कमांड हमने छोड़ा भी, ट्री कमांड। ट्री कमांड क्या होता है, ट्री स्ट्रक्चर दिखाता, हम इससे बाहर आ जाते हैं, cd डॉट डॉट, ये यूजर पे क्या क्या, ये cd डॉट डॉट, इससे भी बाहर आ जाओ। सी ड्राइव में क्या क्या है, ये सभी, इसमें भी कुछ खास नहीं है। अच्छा, हम किसी फोल्डर में जाते हैं, ट्री, ये पूरा स्ट्रक्चर सी ड्राइव के अंदर क्या क्या है, है ना। और किसी का स्ट्रक्चर अगर देखना है CD विंडो के अंदर, देखते हैं इसमें क्या क्या है, तो ट्री TRE और स्पेस अगर F कर देंगे तो पूरा स्ट्रक्चर वाइज दिखाएगा उसके अंदर। अगर हम केवल ट्री कमांड दे देंगे तब भी पूरा ये दिखाएगा ऐसे, ठीक है। अच्छा, जब कोई कमांड ऐसे बड़ा कमांड हम हिट कर देते हैं, ये कंटिन्यू स्टॉप करना बीच में, Ctrl+C प्रेस कर दो, रुक जाएगा, तो ट्री कमांड। अच्छा, इसका मैं एक और एग्जांपल दिखाता हूँ, मैं खुद एक फोल्डर फाइल बना के उसका ट्री दिखा देता हूँ आपको, तब आपका और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। एनीवे, ये टास्क हम नेक्स्ट जो हमारा क्लास रहेगा उसमें मैं दिखाऊंगा, नेक्स्ट सेशन जो रहेगा उसमें मैं दिखाऊंगा कि एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में किसी फाइल को कैसे कॉपी करनी, उस समय मैं ट्री कमांड और अच्छे दिखा दूंगा आपको, ठीक है। तो आपको समझ में आ जाएगा, अभी फिलहाल इतना ही। तो गाइस,
आई होप आपको समझ में आया होगा, बहुत इंटरेस्टिंग है और ये बहुत बेसिक कमांड मैंने बताया, ठीक है। तो ये हमारा सीएमडी का पार्ट टू था। नेक्स्ट पार्ट थ्री में हम देखेंगे कुछ और एडवांस, अब स्लोली हम इससे एडवांस, उससे एडवांस, उससे एडवांस, ऐसे करके हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। अगर आपने इंटरेस्ट लिया और सारे प्लेलिस्ट को, मतलब प्लेलिस्ट में जितने पार्ट आएंगे सभी अगर आपने देख लिया, तो आई एम श्योर, 100% श्योर आप सीएमडी में एक्सपर्ट होने वाले हैं, ठीक है। तो डेली मैं इसको अपलोड करने की कोशिश करूंगा, प्लेलिस्ट जब तक पूरा नहीं हो जाता, ठीक है। तो बस इस सेशन में इतना ही, थैंक यू सो मच।